नमस्कार दोस्तों, शर्मा ब्रदर यूट्यूब चैनल देख रहे सारे दर्शकों का तहे दिलों धन्यवाद। दोस्तों अज तुहानू असी एक ऐसे प्राचीन शिव मंदिर की जानकारी देनी है जो कि जटोली नामक शिव मंदिर के नाते स्थित है। अज दोस्तों यह है भोलेनाथ जी का मेन गेट। आओ तुहानू मंदिर के अंदर की भी जानकारी ते कुछ इतिहास भी मंदिर का दसांगे। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सोलन के जटोली नामक स्थान के उपर स्थित है। ये लगभग सोलन तो 7 किलोमीटर की दूरी पर राजगढ़ रोड के उपर यह मंदिर बनया हुआ है जो कि अपने आप में ही एक अद्भुत नज़ारा है। ये है जी एशिया का सब तो उच्चा शिव मंदिर। तुसी देख सकते हो एशिया का सब तो उच्चा शिव मंदिर जटोली। जटोली शिव मंदिर के नाते मशहूर मंदिर है जी। यह बहुत पुराना इतिहासिक मंदिर है। आओ तुहानू मंदिर के अंदर की कुछ जानकारी दे दें। तुसी देख सकते हैं मंदिर के उपर अनेक देवी देवत्या दी मूर्तियां बनिया हुई हैं। आजो मंदिर के अंदर चलते हैं। आजो दोस्तों मंदिर के अंदर चलिए। देखो मंदिर बहुत सोहना मंदिर बनया होया ते मंदिर दे विच साफ सफाई का भी बहुत वधिया ध्यान रख्या होया। आजो दोस्तों थानू सब तो पहला शिव भोलेनाथ जी दे दर्शन करवाने हैं। तुसी भी मेरे नाल शिव भोलेनाथ जी दर्शन कर सकते हो। आजो दोस्तों भोलेनाथ जी दे दर्शन करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आजो दोस्तों तुसी भोलेनाथ जी दे दर्शन किए ते आज तुहानू हुण बाहर का भी कुछ दृश्य दिखा दईए। भोलेनाथ जी दे दर्शन तो बाद बिल्कुल सामने नंदी महाराज जी दे भी दर्शन कर लो जो कि बहुत वड्डी प्रक्रम मूर्ति दे विच स्थापित ने। आ देखो मंदिर दे विच साफ सफाई का पूरा ध्यान रख्या गया और शिवालिक पहाड़ियों के विच मंदिर है जी। यह अज तुहानू मंदिर का भी दर्शन करा दें। ये गणेश महाराज जी थले ते नाल ही उपर नाग देवता जी विराजमान ने। मंदिर के उपर अनेक प्रकार के देवी देवतियां दी मूर्तियां बनाई गई। देखो कितना सोहना मंदिर है जी। यह बहुत वधिया मंदिर है। तुसी अपने परिवार समेत इत्थे भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लैन आ सकते हैं। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 111 फुट है। 111 फुट इसकी मंदिर की हाइट है ते मंदिर के उपर बिल्कुल उपर 11 फुट ही सोने का एक कलश लग्या होया ते नाल ही उपर मंदिर के उपर त्रिशूल ते सुनहरी झंडे तुसी देख सकते हैं। मंदिर बहुत मशहूर मंदिर है जी जटोली मंदिर। लगभग मंदिर की ऊंचाई 122 फुट के आस पास है ते मंदिर नू बनाण दा समा 39 साल लग्या सी। दसदे आ पुराने समय के शिव भोलेनाथ जी इत्थे आए सी ते उन्होंने कुछ समा इत्थे आराम किया सी ते उन्होंने जाण तो बाद एक बाबा स्वामी परम श्री कृष्णानंद जी उन्हां तो बाद आए सी। दसदे आ उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण 1950 तो लैके 1974 दे विच निर्माण किया सी ते नाल ही उन्होंने जबकि उन्होंने 1983 दे विच समाधि लै ली सी। उन्होंने श्री परम कृष्णानंद जी के जाण तो बाद भी इस मंदिर का काम नहीं रुकिया ते इत्थों दी जिहड़ी कमेटी है उस कमेटी ने इस मंदिर का कार्यकाल काम सी वह पूरा करवाया। दसदे जटोली मंदिर की कथावां दे विच यह जिक्र किया जाता है कि भोलेनाथ दी जटावां दे करके ही इस स्थान का नाम जटोली स्थान पिया सी। जटावां दे नां ते ही इहदा नां जटोली मंदिर रखिया गया। देखो दोस्तों बहुत सोहना मंदिर। एक होर खास गल तुहानू दसदे आ इस मंदिर की एक विशेषता
इस मंदिर नूं जिन्ना भी पैसा लगा, दसदे ने करोड़ों रुपया लगा सी इस मंदिर बनाने नूं, और ये सारा पैसा श्रद्धालुओं द्वारा दिता गया दान का पैसा। ता ही इन्ना समा, 3 दशक के लगभग 39 साल लगे सी इस मंदिर तैयार होने। तुसी भी जदों आना, सोलन तो 7 किलोमीटर दूर राजगढ़ रोड के उपर ये शिव मंदिर है। तुसी आके शिव मंदिर जी दर्शन कर सकते हैं ते शिव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस मंदिर के एक सज्जे पासे स्वामी परम श्री कृष्णानंद जी की गुफा है, ते बिल्कुल मंदिर के सामने राइट हाथ इन्हां दी समाधि भी बनी हुई है। तुसी देख सकते हैं, थानू समाधि के दर्शन भी करावे बाबा जी के, जो कि परम श्री कृष्णानंद जी की समाधि है। तुसी बड़े ध्यान समाधि के दर्शन करने हैं। देखो बाबा जी दे ये समाधि है जी, परम श्री कृष्णानंद जी की समाधि है। तुसी इन्हां दे दर्शन करो ते थानू बाकी मंदिर दी बाहरों दिखावांगे। ये है जी वो समाधि, स्वामी परम श्री कृष्णानंद जी की समाधि है। ते आ जाओ, थानू बाहरों भी मंदिर दे दर्शन कराते हैं। इत्थे ऐतवार वाले दिन लंगर लगाया जाता, जिन्हिया भी संगत आदियां सारे इत्थे लंगर बड़ी श्रद्धा नाल छकाया जाता। ते मंदिर के बिल्कुल सामने 200 मीटर की दूरी पर जल कुंड है। आज तुहानू जल कुंड के दर्शन भी करवाते हैं। पुराने समय में दसिया जाता है कि इत्थे दे लोग पानी ना होने करके बहुत परेशान सन, ते जदों स्वामी परम श्री कृष्णानंद जी को पता लग्या कि लोग बहुत परेशान है, ते उन्होंने भोलेनाथ जी की तपस्या करके अपने त्रिशूल नाल इत्थे पानी कढ़िया सी। ते दसदे ने ये लोग उस पानी को बड़ा चमत्कारी पानी मानते हैं, ते हुण भी दसदे है। ते वो पानी नाल कई अनेक प्रकार के दुख दूर होंदे ने, बड़ा गुणकारी पानी दसिया जाता जी जल कुंड का। और ये देखो बिल्कुल सुंदर पहाड़ियों के बीच ये शिवालय जटोली मंदिर नामक स्थान बनया होया। तुसी जदों भी जटोली मंदिर आना, आ जल कुंड के दर्शन जरूर करने हैं। ये पानी बहुत पवित्र पानी मनिया गया, स्वामी परम श्री कृष्णानंद जी ने तपस्या करके भोलेनाथ जी दी है ये पानी कढ़िया सी। ते अज तक इस पानी उमें दा उमें है जिवें पहला पानी हुंदा सी, कोई पानी च घाट नहीं आई, पानी उन्ना ही अज भी। इत्थों के लोग दसदे ने यह पानी बहुत गुणकारी है, ते अनेक प्रकार दीआं बीमारियां दूर होंदियां इस पानी नाल, काफ़ी लोगों के दुख दर्द दूर होए होए ने जिहड़े दसदे ने पानी बहुत चमत्कारी पानी है। आ है जी वो शिवलिंग, जिस शिवलिंग के थानू जी दर्शन करवा रहे हैं, जल कुंड। ये जल कुंड बनया जी नाल ही शिवलिंग है, जिथे तुम शिव जी महाराज जी ने पानी चढ़ा के उन्हों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। बड़ा